महेंद्रगढ़ तो बाद एक बार फिर स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। स्कूल बस की टक्कर ट्रैक्टर ट्राली नाल हुई है। जानकारी अनुसार टोहाणा दे एक निजी स्कूल की बस हिसार रोड तो बाईपास वाल जा रही थी। इस दौरान सामने तो आ रहे ट्रैक्टर ट्राली दे नाल बस की साइड लग गई, जिस च दोवें वाहन हादसा ग्रस्त हो गए ते दोवें चालकां दे विच बहसबाजी भी शुरू हुई। स्कूल बस ड्राइवर के अनुसार उसने काफ़ी होरन मारे, पर सामने तो आ रहे ट्रैक्टर चालक ने स्पीकरां च उच्ची आवाज़ चुकी हुई सी ते गाने सुनदा रहा सी, जिस कारण होरना की आवाज़ ट्रैक्टर चालक नूं सुनाई नहीं दिती। तो दूजे पासे ट्रैक्टर चालक का कहना है कि वह सही साइड तो आ रहा सी, उल्टा बस चालक गलत साइड तो आ रहा सी, जिस कारण यह हादसा वापरिया। तो प्रत्यक्ष दर्शियों का भी यो कहना है कि सारी गलती स्कूल बस ड्राइवर की ही है। पर इस हादसे के दौरान गनीमत यह रही कि इस बस दे विच स्कूल दे बच्चे सवार नहीं सन, जिस कारण वड्डा हादसा होणो टल गया। मैं दीनत कुमार, ट्रैक्टर वाला की सेम गलती है जी, ये वो लगाया होता स्पीकर लगाए हुए था, गाने लगाए हुए था, इन्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने हॉर्न भी लगाया और अगले मोड़ से आ रहा था बिल्कुल स्पीड में, तो 60-70 की स्पीड में चल रहा था ये, हमने आगे पीछे बस थी और इन्हें स्पीड कम नहीं की आपकी, मैंने थोड़े ब्रेक दिखाए तो ये इसका संतुलन बिगड़ गया, ट्रैक्टर वाले का मेरा भी बिगड़ गया, इसलिए मैंने बस दूसरी साइड में रॉन्ग साइड में फेंक दी। अगर स्कूल बस में बच्चे होते तो बड़ा अच्छा हो सकता था, अगर बच्चे होते तो बड़ा, लेकिन बच्चे सुबह ही 8 बजे अपने स्कूल में चले गए और परमिशन लेने के लिए, लेने के बाद हम गाड़ी का काम करवाने के लिए गए थे, जा रहे थे मिस्त्री के पास और इतनी बीच में ये हादसा हो गया। गलती किसी की भी नहीं है, अगर सही माने तो लगाओ तो ये गलती ना ही ट्रैक्टर ड्राइवर की है ना ही बस ड्राइवर की है। अगर दोनों अपना मुआवजा लेने की कोशिश करते हैं तो गलती किसी में लगाओ। कैसे ब्रेक मारता है मानते हैं आपका? राम निवास है जी। आप ट्रैक्टर के ड्राइवर हो गए? हाँ जी। क्या होया इस तरह, यहाँ सब बताओगे किस तरह? यहाँ सर जी पहली बस कदर में टप गया जी, दूसरी बस कदर को आया जी, थी पहले ब्रेक मारे बस नूना रॉन्ग साइड चली गई, मैंने ब्रेक मार गया जी, ट्रैक्टर उड़न ले आया फिर भी भिड़ी गया धक्का था, गलती सारी बस वाला की है जी। तो बस वाला रॉन्ग साइड था क्या? हाँ जी रॉन्ग साइड आ गया। तो कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान तो जी 8-10 हज़ार रुपया। बच्चे थे बस में? ना जी बच्चे को नहीं, सिर्फ ड्राइवर था। तो किसकी गलती मानते हैं आप? ड्राइवर की है जी, बस वाला की। आप रॉन्ग साइड कैसे बोल रहे हो, पीछे नहीं थी बस में? नहीं जी तेरी बस पीछे थी, पर ओड़ा कुकर जा रही है यार, नहीं बताने के लिए नहीं जा रही, या तो मना मारन खातिर जा रही थी उड़ा। तो मेरा नाम दीपक है। ये जो हादसा हुआ आपने देखा, कैसे हुआ हादसा? ये ट्रैक्टर तो सही आ रहा था, ये अपनी साइड आ रहा था, ये एकदम से बस संतुलन बिगड़ने के कारण बस रॉन्ग साइड आई है, मैं उधर सामने से देख रहा था एकदम से, फिर हम भाग के आए हैं। ये आप टायर के निशान भी देख सकते हो, ट्रैक्टर अपनी साइड आ रहा था सही। तो किसकी गलती मानते हैं? ये तो बस की गलती मानते हैं हम तो। ये तो बस में बच्चे थे क्या? बच्चे नहीं थे, ये संतुलन बस का बिगड़ा है, कोई दिक्कत थी बस में, ये तभी रिपेयरिंग के लिए भी जा रहे थे। तो अगर बच्चे होते तो? बच्चे होते तो बहुत बड़ा हादसा होता ही। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस ड्राइवर को आराम से बस को चलाना चाहिए। और ये तो किसकी लापरवाही मानते हैं अभी बस? मैं तो अभी फिलहाल तो बस वाले की मान रहा हूँ जी, क्योंकि ट्रैक्टर अपनी साइड से सही आ रहा था ये, और कम स्पीड में आ रहा था, ऐसा कोई म्यूजिक वगैरह इसने ऐसा कुछ नहीं चला रखा था ये।